और आइए बढ़ते हैं आगे। हाथरस हादसे की बात करते हुए आपको जानकारी दे देते हैं कि हाथरस हादसे पर आई चार्जशीट पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। चार्जशीट जो दाखिल की गई है, देखिए उस पर मायावती सवाल उठा रही हैं, राज्य सरकार पर निशाना साध रही हैं। चार्जशीट में बाबा को क्लीन चिट दी गई है, इसी पर सवाल उठा रही हैं। दूसरे सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, लीपापोती करने का वो आरोप लगा रही हैं। सूरजपाल को सरकार संरक्षण दे रही है, खुले तौर पर सरकार के खिलाफ यही आरोप लगाया जा रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से। संदीप पांडे और जानकारी देंगे, फोनलाइन पर मौजूद है संदीप पांडे। मायावती सरकार को घेर रही है हाथरस हादसे को लेकर, जिस पर चार्जशीट सामने आई है, क्या गंभीर आरोप सरकार के ऊपर मायावती की तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, 2 जुलाई को जब हाथरस कांड हुआ था, सत्संग के दौरान भगदड़ मची थी और 121 लोगों की उसमें मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर महिला सत्संगी थी और कई बच्चों की भी इसमें मृत्यु हो गई थी। उसी दौरान सत्संग के दौरान जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उसको लेकर सवाल उठे थे और सियासी दलों ने भी इस चीज को लेकर सरकार को घेरा था। वहीं अब चार्जशीट दाखिल हो गई जिसमें 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया, लेकिन जो मुख्य बाबा है सूरजपाल सिंह, जिसको लेकर भी पहले सियासी सवाल उठाए जाते रहे, कई दलों की तरफ से सूरजपाल बाबा को घेरा गया था, उनको लेकर सवाल किए गए थे कि आखिर उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है या अन्य जो प्रक्रियाएं थी उनका पालन क्यों नहीं किया गया था। इसी प्रकरण को लेकर चार्जशीट, जैसे ही नाम सूरजपाल बाबा का नाम उसमें नहीं मिला, मायावती ने सवाल उठाया है सरकार की कार्यशैली पे, इसको घेरा है कि सूरजपाल का नाम इसमें क्यों नहीं है। सूरजपाल की एक बड़े फॉलोअर्स हैं, उनके तमाम भक्त हैं, जो घटना के बाद भी लगातार आश्रम के आसपास डेरा बनाए हुए थे और सूरजपाल को निर्दोष बता रहे थे। हालांकि सूरजपाल ने भी अपने वकील के तहत जवाब दिया था और मीडिया को भी वकील के तहत एक बयान जारी किया गया था जिसमें सूरजपाल को निर्दोष बताया गया था। और घटना को जिस तरीके से सूरजपाल की तरफ से उसके वकील ने बयान दिया था, उसको लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब मायावती ने चार्जशीट को लेकर भी सवाल उठाया है। जाहिर तौर पे इस पर अभी सियासत गरमाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो लिहाजा हाथरस कांड में सियासी सरगर्मी और बढ़ने की उम्मीद है। वाकई में यही एक सवाल बनता है संदीप, की हरियाणा चुनाव देखिए संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सरकार को जो हाथरस हादसे को लेकर मायावती घेर रही है, इसमें सिर्फ मायावती नहीं है, क्योंकि अभी मायावती हैं, बसपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं आगामी उपचुनाव में शायद सरकार के लिए इस हाथरस हादसे से एक नुकसान वाली खबर मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए हाथरस कांड काफी चर्चित हुआ था, इसमें वो भक्त और श्रद्धालु थे जो बेहद ही जो माने जा सकते हैं कि ज्यादातर ओबीसी और एससी समुदाय के थे, जो इसमें श्रद्धालु जन शामिल हुए थे और सूरजपाल को लेकर एक बड़ी आस्था थी उनमें। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद भी तमाम श्रद्धालु सूरजपाल के आश्रम के आसपास डेरा जमाए थे, इतनी अगाध श्रद्धा थी। तो ऐसे में क्या मजबूरी है सरकार की या सूरजपाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए, इस वजह से उसका नाम शामिल नहीं किया, क्या कानूनी प्रक्रिया, इस पे सवाल उठना लाजमी है। तो पार्टी जो भी राजनीतिक दल हैं इस मसले पे सवाल जरूर उठाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी आने वाले हैं, तो इस पर सियासत बढ़ना अभी जारी रहेगी। अब चार सीट का प्रकरण आए, फिर से हाथरस कांड पे फिर से सियासी उबाल एक बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप पांडे जानकारी के लिए।